हाय एवरीबॉडी, आज बहुत ही लंबे समय के बाद मैं एक फिर से वीडियो बना रहा हूँ। आप देख रहे होंगे यूट्यूब के ऊपर, आजकल मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था या कुछ बातें नहीं कर पा रहे थे आपसे, बट आज थोड़ा समय मिला तो सोचे दो शब्द आपसे बातें हो जाएं। आशा है कि सभी लोग अच्छे होंगे, हर बार की तरह इस बार भी अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे रहें। आप सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि आप अपने प्रिपरेशन को लेकर के एकदम पॉजिटिव रहिए, चाहे वो नीट की प्रिपरेशन हो, चाहे जेई की प्रिपरेशन हो, चाहे जो भी आप प्रिपरेशन अपने लाइफ में कर रहे हैं, जो अपने आप करियर में बनना चाहते हैं, जो भी आपकी गोल होगी, आप उसके प्रति अगर पॉजिटिव नहीं रहेंगे ना, अगर आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे या फिर आप देखेंगे कि नहीं सर, ये देखिए ना पेपर ऐसे हो जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, ऐसा हो जा रहा है, वैसा हो जा रहा है, वही कल को सोच करके कि हाँ आज ऐसा पेपर लीक हो गया तो कल भी ऐसा हो जाएगा, उसे अपनी पढ़ाई को बाधित कर देना या फिर निराशा अपने अंदर ले आना, ये मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं सही है। ठीक है, आप अपनी प्रिपरेशन को उसी हिसाब से उसी रफ्तार के साथ करते रहिए ना। आप अपनी प्रिपरेशन को रोक देंगे तो शायद आपको नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा आपको। अभी जैसा कि नीट में पेपर लीक हुआ या क्या हुआ, उसके ऊपर तो अभी चल रही है खोजबीन चल रही है कि क्या हुआ, कैसे प्रॉब्लम हुआ, अभी जब तक सारा रिपोर्ट ना आ जाए, सब रिपोर्ट आ ही रहा है धीरे धीरे। उन सब बातों को छोड़ करके आप सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप बच्चे 11th 12th के बच्चे, आप अपनी प्रिपरेशन में निरंतर लगे रहिए, आप अपने आप को कमज़ोर मत बनाइए। अगर दिमागी तौर पे आप अपने आप को कमज़ोर बना दोगे ना कहीं आने वाला जो एग्जामिनेशन होगा वो एग्जामिनेशन आपका हैम्पर होगा। ठीक है, तो आप सारी चीज़ों को भूलते हुए देखते हुए, ठीक है, आप अपनी प्रिपरेशन को पहले अच्छा करिए।